Assalamualaikum dear student, आज हम start कर रहे हैं exercise 1.3. Exercise 1.3 question number 1 की इबारत है without solving find the sum and product of the roots of the following equations, यानी दी गई equations से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए सम ऑफ रूट्स इसे हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, इसको हम अल्फा प्लस बीटा से भी मेंशन कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी से मेंशन किया जा सकता है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल फॉर्मूला है सी ओवर ए। देखिए फॉर्मूलों से हमें पता चलता है कि हमें ए बी सी तीनों की कीमत चाहिए ताकि हम फॉर्मूले के अंदर कीमत पुट करें और हमारा आंसर आ जाए। हमने ए की कीमत ली एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पर 1 इज इक्वल टू बी यानी बी की कीमत 5 और कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी यानी सी की कीमत माइनस 1। माइनस बी ओवर ए माइनस बी की कीमत 5 और ए की कीमत 2। इसी तरह सी ओवर ए, सी की कीमत माइनस 1 और ए की कीमत 1 ओवर 2। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से दिया गया है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर चूंकि यहाँ पे एक्स पार 1 वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हम खुद से लिख सकते हैं किस तरह से 0x माइनस 9, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 9 के दरमियान अगर आप एक्स लिखना चाहते हैं तो आप उसके साथ कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे। हमारे पास ए की कीमत है 1, बी की कीमत 0, सी की कीमत माइनस 9, एस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए माइनस बी की कीमत 0, ए की कीमत 1, अगर ऊपर 0 हो नीचे 1 हो तो इक्वल टू 0 ही रहता है, यानी इसका आंसर 0 है। पी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की कीमत इधर से हम लेंगे माइनस 9 और ए की कीमत इधर से लेंगे 1, 9 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 9, ये इसका आंसर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की इबारत है फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की कीमत मालूम करनी है गिवन दैट जब के दिया गया है। इसका पहला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन k plus 1 x square plus 4 k plus 3 x plus k minus 1 is equal to 0 is 7 over 2। इसका सेकंड पार्ट है the sum of roots of equation 4 x square plus k x minus 7 is equal to 0 is 3, यानी इसके दो पार्ट हमने दर्ज किए हैं, अभी दोनों को हल करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है 7 ओवर 2। सेकंड पार्ट के अंदर अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3। इसकी मदद से हमने k की कीमत मालूम कर ली है। हमने a की कीमत, b की कीमत और c की कीमत इक्वेशन से ले ली। अब हमारे पास अगर अल्फा क्रॉस बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिखना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा की कीमत यहां से उठाएंगे 7 ओवर 2, अल्फा बीटा की जगह दर्ज करेंगे, सी की कीमत के माइनस 1 यहां पे दर्ज करेंगे और ए की कीमत के प्लस 1 ए की जगह पे दर्ज करेंगे। के प्लस 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को पहले के से मल्टीप्लाई किया फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल राइट हैंड साइड पे आते हैं, 2 को पहले k से मल्टीप्लाई किया फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया
आप 2k को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, यानी 7k माइनस 2k इज इक्वल माइनस 2, 7 को उठा के आप राइट हैंड साइड पे ले जाए माइनस 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5k इज इक्वल टू माइनस 9, इधर से 5 9 के बटा में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन का अमल है, जब 5 दूसरी साइड पे जाएगा यानी राइट हैंड साइड पे जाएगा तो तकसीम के अमल में आएगा, सो हमारे पास k की कीमत आएगी माइनस 9 ओवर 5, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखिएगा, a की कीमत 4, b की कीमत k, c की कीमत माइनस 7, याद रखिएगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो हमने अल्फा प्लस बीटा का ही फॉर्मूला लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा की कीमत इधर से उठाई 3, यहाँ पे दर्ज की बी की कीमत के और ए की कीमत 4, ये 4 हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस बी 4 के साथ इस तरफ ले जाएंगे, तो ये अमल गलत नहीं होता, आप माइनस की अलावा के साथ भी लिख सकते हैं और 4 के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक के साथ लिखी जा सकती है, दोनों के साथ अलग अलग नहीं लिख सकते। माइनस 4 जब इस तरफ आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जार 12, सो हमारे पास k की कीमत आएगी माइनस 12, ये ही इसका आंसर। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की अबादत है, इफ द डिफरेंस of the roots of x square minus 7x plus k minus 4 is equal to 0 is 5, find value of k। अब हमें difference of root, difference फर्क से है और फर्क को minus से mention किया जाता है, alpha minus beta is equal to 5, a की कीमत 1, b की कीमत minus 7 और c की कीमत k माइनस 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस माइनस 7 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 1, अल्फा बीटा c ओवर a k माइनस 4 ओवर 1 k माइनस 4, इन दोनों की कीमत इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं कि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसके अंदर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की कीमतें दर्ज कर दी होती हैं, तो वो डेफिनेटली हमने पहले निकाल लेनी है, इक्वेशन से वैल्यू लेके फिर हम इस फार्मूला के अंदर उनको पुट करेंगे। अल्फा माइनस बीटा की यहां से कीमत 5 दर्ज की, अल्फा प्लस बीटा की कीमत 7 होल स्क्वायर दर्ज की, माइनस 4 * k माइनस 4 k माइनस 4 को दर्ज किया, दोनों तरफ स्केयर लेंगे क्योंकि जब तक जजर खत्म नहीं होगा उस वक्त तक हम k की कीमत नहीं निकाल सकते, जजर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 7 स्केयर 4 9, 4 k से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16, इधर 5 स्केयर 25, हम 25 को इस तरफ ले जाते हैं, 4 k को इस तरफ ले जाते हैं, 4 k इस तरफ नेगेटिव है इस तरफ पॉजिटिव, 25 इधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव, यह आएगा इन तीनों हिस्सों को अगर हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 40, 40 को जब 4 पे तकसीम करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा, यानी हमारे पास k की जो कीमत आई है वो 10 है, यही इसका आंसर। डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कुछ यूं दी गई है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, find value of alpha cube plus beta cube, और second पे है 1 over alpha square plus 1 over beta square, सबसे पहले हम दी गई equation से a, b, c की कीमत लेंगे, हम जानते हैं कि a equal to a, b equal to b and c equal to c, alpha plus beta minus b over a, अल्फा बीटा सी ओवर ए। अब हमने कीमत मालूम करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, देखिए अगर आपने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की कीमत मालूम करनी है तो आपको इसके फॉर्मूले को ज़हन में रखना होगा, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा,
ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की मदद से हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। आप इसको हल करने के लिए हमें कीमतों की जरूरत है, यानी फॉर्मूला के अंदर कीमतें हमने पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की कीमत इधर से लेंगे माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा की कीमत सी ओवर ए इधर से लेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा की कीमत माइनस बी ओवर ए इधर से लेंगे। ये माइनस यहाँ से मूव करके यहाँ पे आगे से प्लस करेगा, बी के ऊपर अलहदा क्यू और बटा के अंदर ए की पावर अलहदा क्यू आएगी। माइनस माइनस प्लस थ्री बी सी ए ए से मल्टीप्लाई ए स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर है यहाँ पे ए क्यूब है, हम दोनों के बटा को सेम कर लेते हैं। इस तरह से एलसीएम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका फायदा हमें ये होगा कि दोनों के बटा की वैल्यू सेम हो जाएगी। दोनों के बटा की वैल्यू सेम हो तो एक दफा लिख दी जाती है और ऊपर जो दिया गया हो एज इट इज लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारे पास ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ओवर अल्फा स्केयर प्लस वन ओवर बीटा स्केयर। सबसे पहले मैंने इसका जवाब आपके लेना है, बीटा वन से मल्टीप्लाई बीटा स्केयर, अल्फा वन से मल्टीप्लाई अल्फा स्केयर, दोनों आपस में बटा में मल्टीप्लाई। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। जिस तरह क्यूब का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं इसी तरह स्केयर वाला भी फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद हल हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा, नीचे दोनों की पावर स्केयर में है, दोनों के स्केयर को आप इकट्ठा लिख सकते हैं। आप कीमत दर्ज करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, इधर दर्ज किया इसकी जगह पे अल्फा बीटा की जगह सी ओवर ए। ये आएगा बी स्केयर, ये आएगा ए स्केयर। हम एक ए से नीचे मल्टीप्लाई एक ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों, दोनों के बटा में ए स्केयर हो जाएगा। एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो जाता है, एलसीएम बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये भी ए स्केयर है, ये भी ए स्केयर है। देखिए मैं जुजाफल की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऊपर आएगा बी स्केयर माइनस टू ए सी, ये ए इस बटा वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बकिया हिस्सा बचेगा वो बी स्केयर माइनस टू ए सी और नीचे हमारे पास सिर्फ सी स्केयर बच जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसकी कीमत। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव की अबारत कुछ इस तरह से दी गई है, इफ पी क्यू आर रूट्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस थ्री पी क्यू इंटू पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कॉस एंड क्लॉस माइनस थ्री पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू। हमने इसकी कीमत मालूम कर ली, इसकी कीमत मालूम करने के लिए ये इक्वेशन दी गई है, इससे हम कीमतें मालूम करेंगे। ए की कीमत टू, बी की कीमत माइनस एक्स, सी की कीमत थ्री, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस सिक्स ओवर टू, यानी बी की कीमत माइनस सिक्स और ए की कीमत टू, टू सिक्स से कैंसिल थ्री, अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये हमारे पास आएगा थ्री ओवर टू। हम क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी प्लस क्यू क्यूब माइनस थ्री पी क्यूब इंटू पी प्लस क्यू माइनस थ्री पी क्यूब पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस टू पी क्यू माइनस थ्री पी क्यू पी प्लस क्यू। कीमतें दर्ज करेंगे जो हमने कीमतें निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री, पी प्लस क्यू अल्फा प्लस बीटा वाली कीमत पी प्लस क्यू में हम दर्ज करेंगे। जहां पे पी क्यू मल्टीप्लाई होगा वहां पे हम अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन का जो हमारे पास रिजल्ट है कीमत है थ्री ओवर टू, वो वाली कीमत दर्ज कर देंगे। थ्री पी क्यू थ्री ओवर टू, पी प्लस क्यू थ्री स्क्वायर माइनस टू थ्री ओवर टू माइनस थ्री पी क्यू की कीमत थ्री ओवर टू, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू थ्री, थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री आर नाइन, नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन ओवर टू,
माइनस थ्री, थ्री आर नाइन ओवर टू, नाइन माइनस टू, टू से कैंसल थ्री, माइनस थ्री, थ्री आर नाइन, नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन ओवर टू। यहाँ पे हम सवाल आपके लेंगे बजरिया एलसीएम, हम इसको सॉल्व करेंगे 227 से मल्टीप्लाई 54 माइनस 27 ओवर 2 माइनस 9 ओवर 2, 9 माइनस 3 6 आएगा, 2 6 को कैंसिल करेगा तो आंसर 3 आएगा, माइनस 27 ओवर 2 एज इट इज लिखा जाएगा। 54 माइनस 27, 27 ओवर 2 माइनस 27, माइनस 27 ओवर 2, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 27 इसकी कीमत है और यही हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अबारत एक नजर देखिएगा प्लीज। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा प्रूव दैट। उसने कहा इसे प्रूव करना आपने, यानी अंडर रूट अल्फा और बीटा प्लस अंडर रूट बीटा और अल्फा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू जीरो, इसको प्रूव करना है। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ए की कीमत पी, बी की कीमत क्यू, सी की कीमत आल्सो क्यू। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल माइनस क्यू ओवर पी। अल्फा बीटा सी ओवर ए इज इक्वल क्यू ओवर पी, यानी सी की कीमत और बी की कीमत दोनों ही क्यू है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करना है इक्वल टू जीरो प्रूफ करेंगे। अल्फा पे अलहदा जजर और बटा में बीटा पे अलहदा जजर, इसी तरह बीटा पे ऊपर अलहदा जजर बटा में अल्फा पे अलहदा जजर प्लस क्यू ओवर पी एज इट इज, ये सेम इसी तरह ही चलता जाएगा। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई जजर खत्म, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई जजर खत्म, दोनों आपस में बटा में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों वैल्यू का जजर हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब हमने कीमतें दर्ज करनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी हमने दर्ज किया है, अंडर रूट अल्फा बीटा क्यू ओवर पी, क्यू ओवर पी कीमत दर्ज की। इस पी का जजर इस पी पे आ जाएगा और ऊपर बटा के अंदर क्यू का जजर ऊपर वाले क्यू पे आ जाएगा, माइनस सेम साथ चलता जाएगा। क्यू का जजर जब क्यू पे जाएगा तो ऊपर वाले क्यू पे जजर आ जाएगा और नीचे वाले पी यानी बटा के नीचे जो बटा पी के ऊपर जजर है ये ऊपर वाले बटा के नीचे जो पी है ये जजर उस पे चला जाएगा। दोनों के जजर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, अलग-अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ये आएगा क्यू ओवर पी प्लस क्यू ओवर पी, दोनों के जजर सेम वैल्यू क्यू ओवर पी, इधर भी क्यू ओवर पी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ।